फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों से सोयाबीन की चोरी की घटनाएं तेजी से सामने आने लगी हैं। झरी जामणी तहसील के भिंडाला और दिग्रस तहसील के रामनगर खेत परिसर में सोयाबीन चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार झरी जामणी तहसील के भिंडाला निवासी किसान का गाँव के नजदीक खेत है। किसान ने खेत के बाड़े में 18 क्विंटल सोयाबीन रखा हुआ था। अज्ञात चोर ने खेत के बाड़े का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर 90,000 रुपए मूल्य के सोयाबीन पर हाथ साफ कर दिया। मामले की शिकायत मुकुटबंद पुलिस थाने में दर्ज की गई और अभी इस मामले की जांच की जा रही है। इसी तरह की दूसरी घटना दिग्रस थाना क्षेत्र के रामनगर खेत परिसर में सामने आई है। मनोरा तहसील के वाई गॉल में रहने वाले किसान का रामनगर परिसर में खेत है। इस खेत में बने गोदाम में किसान ने 9 क्विंटल सोयाबीन 4 क्विंटल तुअर भरकर रखी थी। अज्ञात चोरों ने रात के समय खेत के गोदाम को फोड़कर सोयाबीन और तुअर सहित 67,500 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जांच दिग्रस पुलिस कर रही है। विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ अब चोर भी सतर्क हो गए हैं और किसानों की स्टॉक की हुई सोयाबीन को चोरी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को अपनी सोयाबीन की कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।